सत सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है वो एक अलग सी वीडियो है। ये जो वीडियो है मुझे रिक्वेस्ट ही आया था इसका भी, तो इस वीडियो का टाइटल मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। ये है रशवे कैफ का वाकया, दोज पीपल हु वेयर रेजरेक्टेड आफ्टर 300 ईयर्स। मतलब वो लोग जो 300 साल के बाद में जिनका रेजरेक्टेड पुनर्जन्म, जैसे पुनर्जन्म बोलते हैं दोबारा से जन्म हुआ, तो वो कौन लोग हैं, कैसे हुआ, क्या उस टाइम पे सिचुएशन थी। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोगों को और भी ज्यादा जानकारी मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल वॉइस के मुअज्जज दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। अस्हाबे काफ का वाकया। अल्लाह के हुक्म से 300 बरस गार में सोने वाले असहाबे काफ कौन थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद खराब और नहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खुसूसन उनका बादशाह दकियानूस तो इस कदर जालिम था कि जो आदमी बुत परस्ती से इनकार करता उसको कत्ल कर डालता था। असहाबे काफ अफसोस के शुरफा थे जो बादशाह के मुअज्जज दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म व जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में गार के अंदर पना गुजीन हुए और सो गए। वो लोग 300 बरस से ज्यादा अरसे तक उसी हाल में सोते रह गए। दकियानूस ने जब उन लोगों को तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं, तो वो बेहद नाराज हुआ और फरतो गैज़ो गज़ब में यह हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी हाल में रहकर मर जाएं और वही गार उन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस आदमी के सुपर्द यह काम किया था वो बेहद नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने असहाबे काफ के नाम की तादाद और उनका पूरा वाकया एक तख्ती पर लिखकर तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रखवा दिया और उसी तरह की एक तख्ती शाही खजाने में महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद अकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहां तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बेदरूस था वो तख्त नशीन हुआ, जिसने 68 साल तक शानो शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फिरकाबंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद उठने और कयामत का इनकार करने लगे। कौम का यह हाल देखकर बादशाह रंजोहम में डूब गया और वह तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंद कुद्दूस अज़्वजल के दरबार में नहायत बेकरारी के साथ गरिया वजारी करके दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और कयामत का यकीन हो जाए। बादशाह की यह दुआ मकबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले खौफ के मारे वहां से भाग गए और असहाबे काफ अल्लाह के हुक्म से अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम व कलाम में मशगूल हो गए और इबादत कर ली। जब उन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने अपने एक साथी यमलीखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और नहायत खामोशी से यह काम मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या जानता है। यमलीखा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग अलानिया तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलीखा ये मंजर देखकर हैरान हो गया कि इलाही ये क्या माजरा है, इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था, आज इनकलाब कहां से और क्यों कर आ गया। फिर यमलीखा एक नान भाई की दुकान पर खाना लेने गया और दकियानूस के जमाने का रुपया निकाल कर दिया जिसका चलन बंद हो चुका था।
बल्कि कोई उस सिक्के का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शक हुआ कि शायद इस आदमी को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चुनांचे दुकानदार ने उनको हुकाम के सुपर्द कर दिया और हुकाम ने उनसे खजाने के बारे में पूछगछ की। चुनांचे दुकानदार ने उनको हुकाम के हवाले कर दिया। हुकाम ने उनसे खजाने के बारे में पूछगछ शुरू कर दी और कहा, बताओ खजाना कहाँ है? यमली खान ने कहा, कोई खजाना नहीं, यह हमारा रुपया है। हुकाम ने कहा, हम किस तरह मान लें कि यह रुपया तुम्हारा है? यह सिक्का तो 300 बरस पुराना है और सदियां गुजर गई हैं कि इस सिक्के का चलना बंद हो गया है और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि मसला क्या है। यह सुनकर यमली खान ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दक्यानूस बादशाह का क्या हाल है? हुकाम ने कहा, आज रोई जमीन पर उस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजर गए कि उस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस था। अभी कल ही तो हम लोग उसके खौफ से अपने ईमान और जान बचाकर भागे हैं। हमारे साथी करीब ही एक गार में मौजूद हैं। तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिला देता हूँ। चुनांचे हुकाम और अमाइद्दीन शहर कसीर तादाद में उस गार के पास पहुंचे। अस्हाबे काफ यमली खा के इंतजार में थे। जब उनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने ख्याल कर लिया कि शायद यमली खा गिरफ्तार हो गया, और जब गार के मुंह पर बहुत सारे आदमियों का शोर हुल देखा तो वो समझे कि गालबन दक्यानूस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आन पहुंची है। तो ये लोग नहायत इखलास के साथ जिक्र इलाही और तौबा और इस्तग़फ़ार में मशगूल हो गए। हुकाम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और उसके अंदर से तख्ती निकाल कर पड़ी तो उस तख्ती पर असहाबे काफ का नाम लिखा था और यह भी तहरीर था कि यह मोमिनों की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दक्यानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गुजीन हुई है। तो दक्यानूस ने खबर पाकर एक दीवार से उन लोगों को गार में बंद कर दिया है। हम यह हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी यह गार खुले तो लोग असहाबे काफ के हाल पर मुतला हो जाएं। हुकाम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए और उन लोगों ने अपने बादशाह बेदरुस को इस वाक़े की इतला दी। फौरन ही बेदरुस बादशाह अपने इमरा और इमाइदीन शहर को साथ लेकर गार के पास पहुंचा तो असहाबे काफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुलाकात की और अपनी सरगजश्त बयान की। बेदरुस बादशाह सजदे में गिरकर खुदावंद कदूस का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर आदमी को यकीन हो गया। असहाबे काफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह ताला तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए, अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपर्द करते हैं। फिर असहाबे काफ ने अस्सलामु अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए। उसी हालत में अल्लाह ताला ने उन लोगों को वफात दे दी। बादशाह बेदरुस्त ने साल की लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाबे काफ की मुकद्दस लाशों को उसमें रखवा दिया और अल्लाह ताला ने असहाबे काफ का ऐसा रुब लोगों के दिलों में पैदा कर दिया कि किसी की मजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सके। इस तरह असहाबे काफ की लाशों की हिफाजत का अल्लाह ताला ने सामान कर दिया। फिर बेदरुस्त बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तमाम शहर वाले इस दिन ईद की तरह ज्यारत के लिए आया करेंगे। तो यह था असहाबे काफ का सच्चा वाकया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत, जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिजून गहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। वो जो ज़माना था ना, उसकी तो बात ही अलग थी। मतलब वहाँ उस पर कुछ भी ऐसे चमत्कार हो जाते थे जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं आज के टाइम पे।
जैसे ये लोग जो थे अशाबे काफ, तो 300 साल बीत गए थे, बट फिर भी जब वो लोग निकले उस गार से, तो वो लोग ऐसे बोल रहे थे कि हम तो कल ही आके यहाँ पे छुपे थे, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो जो राजा था यहाँ पर वो सैकड़ों साल पहले मर गया है। मतलब उन लोगों ने वहां पर इतने 300 साल बिता दिए थे, बट उन लोगों को लग ही नहीं रहा था कि हम लोग यहाँ से, यहाँ इस गार के अंदर में 300 साल से बंद हैं। अमेजिंग ना। तो वो जो लोग थे वो जब वापस अंदर चले गए थे और सो गए थे, उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको वहीं पर वफात दे दी थी। तो वो जो जगह थी, तो क्या आप लोगों को पता है कि वो आज के टाइम पे कहाँ पे लोकेटेड है, और वहाँ पे क्या सब लोग ऐसे जा सकते हैं एज अ टूरिस्ट, या जाना अलाउड नहीं है? प्लीज़ वो जगह का नाम ज़रूर आप मुझे कमेंट करिए, बिकॉज मैं उस जगह के बारे में और डिटेल थोड़ा जानना चाहूँगी, बिकॉज आई एम रियली क्यूरियस टू नो मोर अबाउट दिस कि ऐसा कहाँ पे हुआ होगा एग्जैक्टली। मतलब ऐसी चीज़ें भी होती हैं, हुई थी पहले, आजकल तो कहाँ ही इतनी चमत्कारी वाली चीज़ें होती हैं ना। जो वहाँ का राजा था उसने सिर्फ अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे कुछ ऐसे निशानी दिखा दो जिससे लोगों को ये विश्वास हो जाए कि दोबारा से लोगों का जन्म होता है और ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो उसका सबसे बड़ा क्लू अल्लाह ने यही दिया था कि वो जो लोग 300 सालों से वहाँ पे बंद थे और किसी को भी नहीं पता था, वो लोग उसके सामने आ गए। रियली अमेजिंग, एंड ऐसी स्टोरीज सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। ओके जी, आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।